हरियाणवी वर्सेस पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों में क्या अंतर है। आज का टाइम में भी क्यों पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री तक बहुत ज़्यादा आगे है। और आज का सवाल है कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने पाछे छोड़ सका है। आज की वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब तुमने इस वीडियो में मिलेगा। तो बात करा आप कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री आज हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री तक आगे है तो इसका क्या रीज़न है। फर्स्ट ओवर एडवांटेज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हरियाणवी इंडस्ट्री तक पहला शुरू हुई थी, इसी वजह से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पहला ही पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है। पंजाबी इंडस्ट्री में एक तो बढ़कर एक प्रोडक्शन हाउस, रिकॉर्ड लेबल और डिस्ट्रीब्यूटर और म्यूजिक प्रोड्यूसर देखने मिले हैं। और पंजाबी इंडस्ट्री बॉलीवुड कागल ने भी काफ़ी अच्छे रिलेशन बना चुकी है, इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा रीच और पॉपुलैरिटी मिली है। और ईब तो उन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से उनकी रीच और ज़्यादा बढ़ेगी। और पंजाबी इंडस्ट्री का लवै पीछे की भी कोई कमी ना है। एक तो पंजाब के लोग बहुत पहले तो विदेशों में काम कर रहे हैं, जिसके कारण उनका लवै गाने में इन्वेस्ट करने खातर पैसा बहुत हुआ है। और दूसरी बात, जब उनके गाने इतने बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं तो कंपनी भी खुल कर खर्चा कर रहा है। पंजाबी सिंगर्स अलग अलग टेस्ट की गल है गाने में एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं और हर बार कुछ नया लेकर आवे हैं। तो ये हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो करने लग रही है। और हाँ, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने पाछा छोड़ सका है। हरियाणा में भी बहुत बढ़िया बढ़िया म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक लेबल, वीडियो डायरेक्टर आने लग रहे हैं। और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर भी गाने पर एक्सपेरिमेंट दिन प्रतिदिन करते रहे हैं। फॉरेन कंट्री में देखा तो सिंगर्स हरियाणा का रुख का विदेशों में बजाने लग रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ खास बातें, तुमने किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो। मिलेंगे अगली वीडियो में।